नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आंतरिक जल परिवहन या आंतरिक जल मार्ग का अध्ययन करने के बाद जल परिवहन के अंतर्गत हम बंदरगाहों का अध्ययन करेंगे। आंतरिक जल परिवहन का अध्ययन कर चुके हैं, हम बंदरगाहों का अब अध्ययन करेंगे जिसके माध्यम से समुद्री व्यापार किया जाता है। तो ये समुद्री व्यापार के आधार केंद्र हैं, यहीं से विदेशों को समुद्री आयात निर्यात किया जाता है। यहां से सवाल अक्सर जीएस प्रश्न पत्र में उठते रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। कई तरह से यहाँ पे सवाल पूछ लिए जाते हैं और बंदरगाहों से पूछे जाने वाले सवाल अक्सर वहां पे गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स की भरमार है यहाँ पर, है ना, बहुत ज्यादा फैक्ट्स है, तथ्य है यहाँ पे। आइए इनको एक बार ध्यान से समझ भी लें और रटने के लिए पर्याप्त फैक्ट भी ले लें, ताकि कहीं से भी पूछे तो गलत होने की कोई गुंजाइश न बचे। प्राचीन भारत में अगर देखा जाए, ये भी पूछा जाता है कि प्राचीन काल में किस वंश के शासन काल के दौरान समुद्री व्यापार चरम पर था। तो प्राचीन काल में सातवाहन काल और चोल काल में भारत का समुद्री व्यापार अपने चरम पर था, अर्थात सातवाहन काल और चोल काल में, यानी सातवाहन राजाओं ने और चोल राजाओं ने समुद्री व्यापार को खूब बढ़ावा दिया, विदेशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए गए, है ना, बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से आयात और निर्यात होता था सातवाहन काल और चोल काल में, याद रखिएगा। आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो आधुनिक काल में भारत में जहाजरानी परिवहन, बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से जो समुद्री व्यापार होता है उसे हम क्या कहते हैं, जहाजरानी परिवहन। यदि आधुनिक काल की बात की जाए तो भारत में जहाजरानी परिवहन की शुरुआत 1854 में हुई। कब? जब 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना हुई। यहाँ लिखा हुआ है कि आधुनिक काल में 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ भारत में जहाजरानी परिवहन की शुरुआत हुई। वर्तमान में भारत की समुद्री तटरेखा कितनी लंबी है? भारतीय भूगोल के पहले अध्याय में सब बताया जा चुका है अच्छा से कि भारत की तट रेखा यानी समुद्र तट 7516 किलोमीटर है। द्वीपों समेत अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को देख लें तो भारत की तट रेखा 7516 किलोमीटर लंबी है। तो भारत की 7516 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर कुल 13 बड़े और 200 छोटे छोटे बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ पे बड़े बंदरगाह हरे डॉट में दिखाए गए हैं, ग्रीन, और छोटे बंदरगाह ब्लू डॉट में दिखाए गए हैं। साथ ही बंदरगाहों का नाम भी लिखा गया है। हाँ, बड़े बंदरगाह में 13 सभी बंदरगाह यहाँ दिखाए गए हैं, लेकिन छोटे बंदरगाह सभी न तो दिखाना संभव है और न ही सभी से सवाल पूछे जाते हैं। छोटे बंदरगाहों में जो प्रमुख है और जहां से सवाल पूछे जाएंगे वो डॉट्स मैंने बनाए हैं, डॉट्स के माध्यम से उन्हें दर्शाया है और नाम भी लिखा है। हम डिटेल में बताएंगे कि किस राज्य में पड़ते हैं और उनकी विशेषताएं क्या है, इंतजार करिए। बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक 3 बंदरगाह तमिलनाडु में है। कौन कौन से, लिखते चलिए जैसे बोल रहा हूं। बड़े बंदरगाहों में बड़े बंदरगाह कितने हैं, 13 बड़े 200 छोटे, 13 बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में है। साफ याद दिख रहा है, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन, हरे कलर में बड़े बंदरगाह दिखाए गए हैं, ठीक है। एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन सर्वाधिक 3 बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में है। 200 छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक 53 महाराष्ट्र में है। छोटे बंदरगाहों में सबसे ज्यादा 53 बंदरगाह महाराष्ट्र में, यहाँ कुछ ही दिखाए गए हैं, वो छोटे छोटे बंदरगाह वहां पे। नेक्स्ट, देश की कुल 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा, हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है ये किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है, या कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हमारी 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर स्थित है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम स्पष्ट रूप से जानना जरूरी है, सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देश की कुल 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा
13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है, मतलब 13 में राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ठीक है। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। ये 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं आसानी से, है ना। हम यहाँ पे इसे दर्शा दे रहे हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, पश्चिमी तट पर गोवा है ना, गोवा के दक्षिण में राज्यों के नाम पर देते हैं, गोवा तट पर है। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के दक्षिण में, इसे गोवा बोल रहा हूं क्या, आई एम सॉरी, गुजरात, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके दक्षिण में गोवा, फिर कर्नाटक, उसके दक्षिण में केरला, पूर्वी तट पर आते हैं, कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। कितने हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये हो गए 9, 9 राज्य और ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास तट रेखा है। कौन कौन से हैं, दमन दीव, दमन दीव गुजरात के अंतर्गत आता है, दमन मुख्य भूमि में है और दीव यहाँ पे खंभात की खाड़ी में पड़ता है, इसका मतलब तटीय क्षेत्र हो गया, खंभात की खाड़ी में है तो दमन दीव, पांडिचेरी तमिलनाडु तट पर है, यहाँ पर पांडिचेरी है ना, तो उसके पास तट रेखा है, इसका मतलब दमन दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, द्वीप है तो इनके पास तट रेखा है ही है ना। इसे फिर से पढ़ लेते हैं। देश की कुल 7,516 किलोमीटर लंबी तट रेखा 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है या इसमें फैली हुई है। इनके नाम आपने देखा, इसे अच्छे से याद करने की जरूरत नहीं है, आप मैप में एक बार ध्यान से समझ लेंगे, भूलेगा नहीं, सवाल जैसे ही पूछेगा आप ऑप्शन विकल्प में देख के पहचान जाएंगे। नेक्स्ट, 13 प्रमुख बंदरगाहों में 6 पश्चिमी तट पर, 6 पूर्वी तट पर और एक अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर, उसकी राजधानी है ना, 6 पश्चिमी तट पर स्थित है, बड़े बंदरगाह की बात कर रहा हूँ, 6 पश्चिमी तट पर, 6 पूर्वी तट पर और एक अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला हेडिंग करिए, पश्चिमी तट के 6 बड़े बंदरगाह इस प्रकार है, कांडला गुजरात में, लिखते चलिए ब्रैकेट में गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, न्हावा शेवा महाराष्ट्र में, मरमगाव गोवा में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, कोचीन केरला में। अब हेडिंग डालिए, पूर्वी तट के 6 बंदरगाह इस प्रकार है, पूर्वी तट के, तूतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, एन्नौर तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप, ये नीचे वाला ड्राफ्ट, पारादीप उड़ीसा, कोलकाता हल्दिया, अलग अलग बंदरगाह नहीं है, नाम लेते हैं अलग अलग लेकिन एक ही बंदरगाह के दो हिस्से हैं, जैसे कि कोलकाता नदी पर है और हल्दिया तट पर है, तो दोनों एक दूसरे के सहायक के रूप में, अलग अलग बंदरगाह नहीं है ये, कोलकाता हल्दिया एक साथ नाम लेते हैं, है ना, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। ये हो गए पूर्वी तट के 6 बंदरगाह, और एक बंदरगाह अंडमान निकोबार यहाँ पर पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, और एक बंदरगाह अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। ये हो गए भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाहों के विषय में डिटेल जानने से पहले, हमने तो यहाँ 5 ही बंदरगाहों के विषय में भी डिटेल बताया है विस्तार से, अभी बंदरगाहों के बारे में काफी बातें हैं, हमने उन सभी तथ्यों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की संभावना है और जो पूछे जा चुके हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं। ये तो अभी 5 बंदरगाहों का एक छोटा सा सीन है, इसके अगले वीडियो में ढेर सारे बंदरगाहों के विषय में फैक्ट्स जानेंगे आप, बंदरगाहों के विषय में ढेर सारे फैक्ट्स जो पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये तो हो गया बड़े बंदरगाहों की अवस्थिति, आपने देखी पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर। अब अगला है घंटा लिए, 200 छोटे बंदरगाहों में प्रमुख बंदरगाह और उनकी अवस्थिति इस प्रकार है, छोटे बंदरगाहों में प्रमुख बंदरगाह और उनकी अवस्थिति इस प्रकार है। पश्चिमी तट से स्टार्ट करते हैं, नीले कलर की डॉट में छोटे बंदरगाह दिखाए गए हैं, आप लिस्ट बना लीजिए, इधर लिखिए बंदरगाह, छोटे बंदरगाह, इधर लिखिए राज्य, इधर छोटे बंदरगाह और इधर राज्य, अब लिखते जाइए। मांडवी कौन सा राज्य है, गुजरात, ओखा
गुजरात, द्वारका गुजरात, पोरबंदर गुजरात, भावनगर गुजरात, ये सब गुजरात में है। रत्नागिरी महाराष्ट्र, कारवार कारवार कर्नाटक, कासरगोड केरला, कनानूर केरला, कोझीकोड को ही प्राचीन काल में कालीकट कहते थे, कालीकट तट है ना, तो कालीकट या कोझीकोड एक छोटा बंदरगाह है। कोझीकोड केरला, क्विलोन केरला, एलेप्पी एलेप्पी या अलेप्पी जो भी कहिए, केरला। नेक्स्ट, हम लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट में हमने बताया था कि ऊपर यहाँ छोटे बंदरगाह लिखिए और इधर राज्य का नाम लिखिए, उसी हिसाब से बनाते जाइए। बंदरगाह का नाम टोंडी, राज्य कौन सा है, ये बहुत ही प्राचीन काल का बंदरगाह है और अभी भी है। टोंडी तमिलनाडु, नागपट्टनम तमिलनाडु, कराईकल तमिलनाडु, मछलीपट्टनम, हालांकि कराईकल तमिलनाडु में नहीं है, तमिलनाडु तट पर जरूर है लेकिन कराईकल वास्तव में पांडिचेरी का ही जिला है। पांडिचेरी के चार जिले हैं, कौन कौन से, दो यहाँ पे हैं, पुदुचेरी और कराईकल, एक यनम है आंध्र प्रदेश में और माहे है केरल तट पर। तो चार जिले हैं पुदुचेरी की, एक जिला है कराईकल। तो ये कराईकल बंदरगाह तमिलनाडु तट पर जरूर है लेकिन हिस्सा है ये पांडिचेरी का, है ना। कराईकल, पांडिचेरी, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, एन्नौर आंध्र प्रदेश, गोपालपुर उड़ीसा। आप अक्सर सुनते होंगे कि समाचार न्यूज में सुनाता है कि पश्चिम बंगाल में एक उष्ण चक्रवात साइक्लोन का जन्म हुआ और उड़ीसा के गोपालपुर से टकराया, है ना, इसलिए गोपालपुर के नाम का जिक्र होता है क्योंकि गोपालपुर यहाँ पे एक प्रमुख बंदरगाह है। तो गोपालपुर उड़ीसा, ये हो गए देश के छोटे छोटे बंदरगाह जिससे कि सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि चार छोटे बंदरगाह का नाम दे दिया, सामने राज्य का नाम दे दिया, अब आपको सुमेलित करना होगा। अब सही सुमेलित कर लेंगे, इसे ध्यान से लोकेट कर लीजिए, आप भी ऐसे ही अपने कॉपी पर मैप बना के लोकेट करिए। आइए बंदरगाहों के विषय में जानकारी स्टार्ट करते हैं, जो 13 प्रमुख बंदरगाह है ना। मुंबई पश्चिमी तट से स्टार्ट करते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ना, सबसे ज्यादा आयात निर्यात या सर्वाधिक व्यापार भारत का यहीं से होता है। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये प्राकृतिक और कृत्रिम का क्या चक्कर है, एग्जाम्स में हमेशा पूछता रहता है। बंदरगाह के लिए जरूरी है कि वहां पे समुद्र शांत होना चाहिए, बंदरगाह के लिए जरूरी है कि समुद्र शांत होना चाहिए। समुद्र शांत होने के लिए जरूरी है कि तट रेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं तट रेखा है, तो अगर तट रेखा ऐसे ऐसे है, आप समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे है, तो इसे हम प्राकृतिक बंदरगाह कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने एक बंदरगाह की स्थापना की, तो और ये समुद्र है इधर, है ना। अब इधर से कोई जहाज जाएगा तो इस संकरे क्षेत्र में प्रवेश करके इस बंदरगाह पर आएगा, तो यहाँ पर समुद्री जल शांत रहेगा, बहुत ज्यादा लहरें नहीं टकराएंगी। और अगर तट रेखा सीधी है तो वहां पे जो बंदरगाह है वहां पे जहाजों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा, ज्वार भाटा की स्थिति में भी और तूफान चक्रवात की स्थिति में भी। तो कृत्रिम बंदरगाह का से मतलब ये होता है, सॉरी प्राकृतिक बंदरगाह से मतलब ये होता है कि बंदरगाह के विकास की दशाएं वहां प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, कृत्रिम रूप से पैदा नहीं की गई है। बंदरगाह विकास की दशाएं वहां पे प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, अर्थात तट रेखा काफी कटी फटी है, टेढ़ी मेढ़ी है। कटी फटी तट रेखा बंदरगाहों के विकास के लिए अच्छी मानी जाती है। जैसे मुंबई, मुंबई को आप ध्यान से देखेंगे मैप में, किसी बड़े मानचित्र में देखिए, तो मान लेते हैं ये पश्चिमी तट है ना, ये भारत का दक्षिणी भारत का हिस्सा है। तो मुंबई यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है ना, ये जो पश्चिम में आगे की तरफ निकला हुआ है यहाँ पे है मुंबई। तो मुंबई का हिस्सा यहाँ पे ऐसे बना दे ताकि आप समझ पाए। मान लेते हैं ये पश्चिमी तट है, ठीक है, ऐसी है मुंबई,
ये देख रहे हैं दक्षिण क्यों निकला हुआ, तो मुंबई यहां पे बसा हुआ है, यहां पे। इसके चलते अरब सागर में जो ऊंची लहरें और तूफान आते हैं सीधे मुंबई के तट से नहीं टकरा पाते। क्यों? क्योंकि मुंबई एक संकरे समुद्र के किनारे है, खुले समुद्र के किनारे नहीं मुंबई। ये देखिए संकरे समुद्र के किनारे मुंबई स्थित है। तो इसके चलते मुंबई में बंदरगाह विकास की प्राकृतिक दशाएं विद्यमान है, इसीलिए हम कहते हैं कि मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। हाँ, चूंकि आयात निर्यात अथवा व्यापार किसी भी देश की आवश्यकता है, तो देश केवल प्राकृतिक बंदरगाहों पर ही निर्भर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि हर जगह प्राकृतिक रूप से बंदरगाहों का विकास या तटरेखा का विकास नहीं हुआ है। तो ऐसे जगहों पर सरकार ने क्या किया है कि दीवारें खड़ी कर दी हैं या समुद्र को पाट दिया है थोड़ी दूरी तक, समझ रहे ना, समुद्र को थोड़ी दूर तक आगे पाट देंगे कंक्रीट डाल के, कंक्रीट की दीवार खड़ी करके या कोई ऊंची दीवार खड़ी करके, तो चक्रवात तूफान और ऊंची लहरें वहां पर बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम बंदरगाह, मतलब जो सुरक्षा उपाय किए गए हैं वो कृत्रिम रूप से किए गए हैं, प्राकृतिक रूप से वहां पर विद्यमान नहीं थे। अब आप समझ गए कृत्रिम बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह क्या होते हैं। ठीक है, तो मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है ना, सर्वाधिक आयात निर्यात या व्यापार यहीं से होता है। न्हावा सेवा, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। न्हावा सेवा महाराष्ट्र में मुंबई के ठीक दक्षिण में है। न्हावा सेवा महाराष्ट्र में मुंबई के ठीक दक्षिण में है। वास्तव में न्हावा सेवा बंदरगाह का विकास स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और दुनिया भर से यहां से व्यापार होता है। मुंबई से माल जहाजों पे लादा जाता है लेके चले जाते हैं, साथ ही विदेशों से जो माल आता है उन्हें मुंबई में उतारा जाता है। तो बहुत ज्यादा आयात निर्यात के चलते मुंबई बंदरगाह पर भार बहुत ज्यादा रहता है। भार मतलब सामानों का और जहाजों का जो घनत्व है बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके चलते मुंबई बंदरगाह का भार हल्का करने के लिए, उसका बोझ थोड़ा कम करने के लिए ठीक बगल में न्हावा सेवा बंदरगाह की स्थापना या विकास किया गया, ताकि कुछ बंदरगाह कुछ जहाज मुंबई न आकर न्हावा सेवा पर उतरेंगे, है ना। इससे क्या है कि मुंबई बंदरगाह पर भार थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, ये मुंबई का सहायक बंदरगाह है, अर्थात मुंबई बंदरगाह पर भार कम करने के लिए ही न्हावा सेवा बंदरगाह की स्थापना की गई थी। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम, मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है जबकि न्हावा सेवा एक कृत्रिम बंदरगाह है। जबरन इसका विकास किया गया है अतिरिक्त प्रयास करके, ताकि मुंबई पर बोझ थोड़ा कम किया जा सके। आप समझ गए। नेक्स्ट, कांडला गुजरात में, यहां पर कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी है ना सर, ये खंभा की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला बंदरगाह। मुख्य रूप से आयात बंदरगाह है, कांडला से विदेशों को निर्यात नहीं किया जाता है, कांडला में केवल बाहरी देशों से आयात किया जाता है सामान का। तो इसलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयात बंदरगाह है, इंपोर्ट नॉट एक्सपोर्ट। तो आपका उत्तर होगा कांडला बंदरगाह, है ना, मुख्यतः आयात बंदरगाह। क्या आयात किया जाता है यहाँ पे मुख्य रूप से, यहां पर पेट्रोलियम और उर्वरक का आयात यहीं से होता है। पेट्रोलियम और उर्वरक मतलब खाद या फर्टिलाइजर का आयात यहीं पर होता है कांडला पर। विदेशों से जो भी कच्चा तेल अर्थात पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर मंगाया जाता है वो कांडला में ही मंगाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह। हालांकि सभी बंदरगाहों से कुछ न कुछ सामान की आपूर्ति उत्तर भारत के क्षेत्रों में होती है, लेकिन उत्तर भारत को सबसे ज्यादा आपूर्ति किस बंदरगाह से की जाती है सामानों की, कांडला बंदरगाह से। याद रहेगा, लिखा है उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह। मर्मुगांव, कांडला हो गया, मुंबई हो गई, न्हावा सेवा हो गया, अब मर्मुगांव पढ़ते हैं। मर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है ना। गोवा में दो नदियां प्रमुख रूप से बहती हैं, ज्वारी और मांडवी। नदी वाले चैप्टर में सब बताया जा चुका है, ज्वारी और मांडवी।
पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं और खूब रफ्तार से गोवा में, गोवा तट पर समुद्र में मिल जाती हैं। तो जो मरमुगाव बंदरगाह है जुआरी नदी के ज्वार नदमुख पर है। अब ज्वार नदमुख क्या है, इंग्लिश में एस्चुअरी कहते हैं। नदी समुद्र तट पर जब पहुंचती है अर्थात अपने मुहाने पर, तो या तो डेल्टा का निर्माण करती है या एस्चुअरी की अर्थात ज्वार नदमुख की। अब एस्चुअरी, ज्वार नदमुख, डेल्टा क्या होते हैं ये नदी वाले चैप्टर में बताया गया है, यहाँ पे आपका समझ आया नहीं करूंगा। तो मरमुगाव ज्वारी नदी के ज्वार नदमुख पर स्थित है यानी मुहाने पर स्थित है। गोवा का जो लौह अयस्क है, गोवा का जो लौह अयस्क, गोवा में भी लोहा पाया जाता है और निकाला भी जाता है जमीन के नीचे से चट्टानों को तोड़कर। तो गोवा का लौह अयस्क यहीं से मतलब मरमुगाव बंदरगाह से ही ईरान को निर्यात किया जाता है, ठीक है। भारत से ईरान को जो आयरन ओर निर्यात किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, मरमुगाव पोर्ट से किया जाता है। नेक्स्ट, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, ठीक है। कुद्रेमुख का जो लोहा होता है आयरन ओर यानी लौह अयस्क, कुद्रेमुख कर्नाटक का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है। ये लौह अयस्क यानी खनिज संपदा वाले अध्याय में सब बताया जा चुका है। तो कुद्रेमुख का लौह अयस्क न्यू मंगलोर से ही पश्चिमी देशों यानी अरब के देशों को, अफ्रीका और अरब के देशों को निर्यात किया जाता है। कहां से, न्यू मंगलोर बंदरगाह से। गोवा का लोहा मरमुगाव से और कर्नाटक अर्थात कुद्रेमुख का लोहा न्यू मंगलोर से निर्यात किया जाता है। ये सवाल पूछेगा इसलिए बता रहा हूं, कुछ भी फालतू नहीं है। हाँ, बंदरगाहों से संबंधित और भी महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो पूछे जा चुके हैं वो इसकी अगले वीडियो में रहेंगे। वहां पे आपको एग्जाम की दृष्टि से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट दिखाई देंगे और आप उन्हें समझेंगे। तो इसी तरह से भारतीय भूगोल को करते रहिए, अगले 4-6 वीडियो में भारतीय भूगोल अब समाप्त होने वाला है। नमस्कार।